press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to our YouTube channel सरकारी जॉब बाय राकेश। दोस्तों मैं हूं आरके यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय राकेश YouTube चैनल। दोस्तों आज का जो नोटिफिकेशन आया वो नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर एक सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, इसलिए बने रहिए वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का नाम है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया जी। जॉब टाइप इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसके अंदर अप्रेंटिस के पदों की वैकेंसी निकली है। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी यानी 30 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 15/9/2019। दोस्तों आप ज़्यादा जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस जॉब से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ट्रेड वाइज वैकेंसी नोटिफिकेशन के आधार पर इस प्रकार से है। दोस्तों पहली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए टोटल 10 वैकेंसी है। नंबर दो मैकेनिक की, जिसके लिए एक वैकेंसी है। नंबर तीन फीटर, चार। नंबर चार पे है वेल्डर की पोस्ट, जिसके लिए दो पद हैं। और नंबर पाँच पे प्लम्बर की पोस्ट, जिसके लिए एक पद है। और नंबर छः पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट यानी कुप्पा, जिसके लिए 12 पद हैं। इस प्रकार से टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। दोस्तों सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों 10th प्लस ITI पास और साथ ही 12th और ITI पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 30 साल। सिलेक्शन उम्मीदवारों का शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मोड ऑफ अप्लाई, दोस्तों आपको आवेदन ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आप आवेदन फार्म भरें और आवेदन फार्म को इस एड्रेस के ऊपर आप भेज दें, या फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर भी कर सकते हैं। दोस्तों इस जॉब से संबंधित ये कुछ लिंक हैं, जिनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक, तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा इस जॉब से संबंधित जुड़ी कुछ जानकारी। दोस्तों ये हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाएगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के पदों के नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर पोस्टों की डिटेल इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक MV, फीटर, वेल्डर, प्लम्बर और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की वैकेंसी है। इन पांच पदों के लिए 10th प्लस ITI क्वालिफिकेशन है और ये नंबर छः है, इसके लिए 12th प्लस ITI क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 18 से 30 साल और दोनों के लिए 18 से 30 साल है। इनके लिए ट्रेनिंग होगी एक साल की, आपको एक साल ट्रेनिंग करना होगा। टोटल पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के 10, मैकेनिक के 1, हीटर के 4, वेल्डर के 2, प्लम्बर के 1 और कोपा के 12 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 30 पदों के लिए आपको आवेदन करना है। दोस्तों एज लिमिट के अंदर SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी गई है। हाउ टू अप्लाई यानी अप्लाई कैसे करें। दोस्तों अप्लाई करने से पहले एक बार फुल नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसी के बाद आप पूरे टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास ITI पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के बाद आप अपना आवेदन फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर भेज दें, डिप्टी जनरल मैनेजर प्रभाती सेकंड एचई प्रोजेक्ट नगवाइन मंडी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश पिन कोड नंबर 175121। इस एड्रेस के ऊपर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये NHPC लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।